माय नेम इज अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो अब हम एक जांगो के ऊपर एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के ऊपर। ये कंप्लीट सीरीज होगी जीरो टू हीरो एट जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क, और ये उसका पहला वीडियो है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों जब हमारे पास जांगो जैसा पावरफुल फ्रेमवर्क है, देन वाई वी आर गोइंग टू जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क। क्या ऐसी नीड आ पड़ी कि हमें जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क की तरफ जाना पड़ा, और क्या फ्लॉ है जो जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क जांगो में कवर अप करता है। ऑल दो जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क इज अ थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क, जांगो इज नॉट ऑफिशियल फ्रेमवर्क ऑफ जांगो, बट इट इज वेरी पॉपुलर फॉर बिल्डिंग रेस्ट API। रेस्ट सीखेंगे, रेस्ट क्या होता है, रेस्ट APIs में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, और XML हो गया, JSON हो गया, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करना चाहिए और क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्योंकि बिफोर लर्निंग न्यू थिंग, डेफिनेटली यू शुड नो वॉट द प्रॉब्लम इट्स गोइंग टू सॉल्व एंड विल दिस इट बेनिफिट, और ये ज़्यादा यूज़ होता है या नहीं यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट्स न्यूटन स्कूल, न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कंप्लीट 6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है, इसमें आपको बैक एंड एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज सिखाई जाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग इन द स्टार्ट। अगर आपकी जॉब लग जाती है, आपकी जॉब 5 लाख से अबव की लगती है, देन उसके बाद आपको पेमेंट देना होता है। इसमें लिखा भी हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, 0 fee till placement, मतलब आपको कोई भी पैसे या फिर कोई भी फी नहीं देनी है जब तक आपकी प्लेसमेंट ना हो जाए। अगर आपको टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब करने का मौका चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन चेक हु इज़ हायरिंग न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल की हायरिंग बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से टाई अप हैं। आप देख पा रहे हो कि सारी की सारी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, रैपिडो हो गया, मोटोरोला हो गया, स्नैपडील हो गया, क्योर फिट हो गया, शाओमी, लेंसकार्ट, थॉटवर्क, टॉपर, ड्रीम 11, तो ये सब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं। तो डेफिनेटली यू कैन चेक व्हाट्स न्यूटन स्कूल एंड यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स इफ यू वांट टू चेंज योर करियर, चेंज योर लाइफ एंड एनीथिंग। सो रिसेंटली न्यूटन स्कूल ने एक लॉन्च पैड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें जिसको भी प्रोग्रामिंग, जिसको भी कोडिंग, जिसको भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें सीखनी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है। तो एंड दिस इज द वीडियो विच यू आर वॉचिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लॉन्च पैड, एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, जब हमारे पास जांगो जैसा एडवांस फ्रेमवर्क था, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, मॉडलिंग एंड HTML वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा था, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्केलेबल एप्लीकेशन बना दिया। देन हमारा एप्लीकेशन चल रहा था, सडनली वी थॉट व्हाई डोंट वी स्विच टू मोबाइल एप्लीकेशन। एक हमारी वेबसाइट है ही, वेबसाइट अच्छी चल रही है, अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, देन व्हाई शुडंट वी क्रिएट एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन। सपोज दैट ई कॉमर्स एप्लीकेशन की वेबसाइट थी जो जांगो में बनी थी, एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन एंड सेल्स आर बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही थी, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, बहुत अच्छा ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रहा था, क्योंकि जांगो इज़ अ वेरी क्वाइट पावरफुल फ्रेमवर्क जिसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, और ऑप्टिमाइजेशन की ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेक्निक हैं, एंड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी इनबिल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम मिल जाता है आपको, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल है। देन सपोज दैट वी हैव टू क्रिएट एन ई कॉमर्स मोबाइल एप्लीकेशन, देन द प्रॉब्लम इज़ इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन या फिर कोई iOS एप्लीकेशन बना रहे हैं, देन वी कांट पास कॉन्टेक्स्ट डेटा टू द कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि आप जांगो नॉर्मली यूज़ करते थे, तो उसमें क्या होता था, आप जांगो के अंदर जो भी अगर अपने प्रोडक्ट्स सारे फेच करके लाए, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करा, उसके बाद में आपने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट से सारा डेटा वहाँ पे भेज दिया, देन द प्रॉब्लम वॉज यू कैन नॉट डू दिस पर्टिकुलर थिंग इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, बिकॉज एंड्रॉयड एप्लीकेशन एक अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट और जांगो से इंटीग्रेशन इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे भी आपको सेम डेटा दिखाना था, ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग वही उसके लिए एक अलग SQLite बनाओ, फिर उसके बाद प्रोडक्ट वहाँ पे कैसे पहुँचाओगे। तो ये सब चीज़ें पिक्चर में आ रही थी कि मोबाइल एप्लीकेशन हम बना लेंगे, UI बना लेंगे, बट जो डेटा हमारे पास, प्रोडक्ट्स हमारे पास पहले से पड़े हैं, जो यूज़र के लॉगिन हैं, जो यूज़र के ऑर्डर्स हैं, उन सबको हम कैसे मोबाइल एप्लीकेशन तक पहुँचाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास REST का फुल फॉर्म, REST आती है,
REST is REST का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये एक प्रोटोकॉल है जिसमें XML या फिर JSON में हम डेटा भेजते हैं फ्रंट बैक एंड टू बैक फ्रंट एंड और फ्रंट एंड टू बैक एंड, और मेजरली XML लाइक वी डोंट यूज दैट पर्टिकुलर थिंग इन नाउ डेज, बट वी यूज JSON. JSON स्टैंड फॉर JavaScript ऑब्जेक्ट नोटेशन. इसका फायदा ये होता है कि आपको डेटा एक लिस्ट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा और वो डेटा आप बैक एंड से फ्रंट एंड में पहुंचा दोगे, ठीक है. और फ्रंट एंड में लाइक लूप वगैरह जो भी आपका लॉजिक लगता है उस हिसाब से आप उस डेटा पे इटरेट करके उस डेटा को रेंडर आउट करा पाओगे. लेकिन वही डेटा जब आपको लाइक जब लॉग इन कर रहे हो तो आपको ईमेल और पासवर्ड चाहिए होगा ना फ्रंट एंड से, तो वो आप पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू लाइक परफॉर्म कर पाओगे. तो REST में आपको कुछ लाइक प्रोटोकॉल्स मिलता है, कुछ मेथड्स मिलते हैं लाइक गेट पोस्ट पुट डिलीट पैच है ना डिलीट, ये सब मेथड होते हैं. उन मेथड को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट था कि जांगो, तो क्यों हमें जांगो REST फ्रेमवर्क पे जाना पड़ा कि हमें भाई मोबाइल एप्लीकेशन बनाना था, ये एक आइडिया हो गया. लेकिन जांगो में भी तो हम APIs बना सकते थे, क्यों नहीं बना सकते थे कि हम डेटा लेकर के आते थे, हम एक अपने लिस्ट और अपने ऑब्जेक्ट खुद कस्टम बना करके डेटा पैकेट उसमें बाइंड करके हम पैकेट भेज सकते थे. लेकिन दिक्कत ये थी जैंगो REST फ्रेमवर्क में ये सब चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, पहले से बनी हुई हैं. जो चीज़ें आप सीरियलाइजर और ये सब जो लाइक व्यूज लिखते हैं आप, इन सब का लॉजिक आपको पहले से जैंगो REST फ्रेमवर्क में लिख करके दे दिया गया है. इसके अंदर की कुछ क्लासेज होती हैं लाइक सीरियलाइजर हो गया, रिस्पॉन्सेज हो गए, व्यूज हो गए, API व्यू हो गए, व्यू सेट हो गए, मॉडल व्यू सेट हो गए, पैजिनेशन हो गए, ये सब चीज़ें जैंगो REST फ्रेमवर्क के अंदर पहले से प्री बिल्ट हैं. इसीलिए हम लोग जैंगो REST फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं और जैंगो REST फ्रेमवर्क बहुत पॉपुलर है. सेम टू सेम कट टू कट जैंगो का रेप्लिका है, बस इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट में डेटा की जगह पे सीरियलाइजर API व्यू यूज़ करना होता है. बाकी मॉडलिंग की बात करें, डेटाबेस की मॉडलिंग की बात करें, बिल्कुल सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है. जैंगो एडमिन की बात करें, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है. बस आप इतना समझ जाओ कि जब भी आपको डेटा बैक एंड टू फ्रंट एंड भेजना होगा या फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा मंगवाना होगा, तब आप जैंगो REST फ्रेमवर्क यूज करोगे. इसके अंदर प्री बिल्ट इन चीज मिलती है लाइक बैटरीज इंक्लूडेड रहती हैं, और इसके अंदर जो कोड आप स्क्रैच से लिखोगे वो कोड आपको पहले से मिल जाएगा, और उस कोड को लाइक उन क्लासेस को यूज करके आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हो और काफ़ी स्केलेबल बना सकते हो, काफ़ी जल्दी बन जाएगा, रैपिड डेवलपमेंट हो जाएगी. इसीलिए हम लोग जैंगो REST फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको बिल्ट इन चीज़ें मिल जाती हैं जिन चीज़ों को यूज़ करके हम एंटायर द एप्लीकेशन अपने बना सकते हैं. सो आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारी जैंगो की कम्युनिटी ग्रो अप कर पाए, और इस लाइक वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए. फिलहाल हम लोग जैंगो REST फ्रेमवर्क की सीरीज को कवर अप करेंगे. आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट आइडियाज आ रहे हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. हम उन चीज लाइक मैं आई विल ट्राई टू मेक दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ताकि इट्स अ लाइक सबसे बेस्ट जो अगर कोई भी डेवलपमेंट सीखनी है तो इट्स अ बेस्ट वे टू मूव ऑन टू प्रोजेक्ट. अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना आ जाता है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर लोगे. सो वीडियो खत्म करते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जिसमें जैंगो REST फ्रेमवर्क के इंस्टॉलेशन और क्या क्या चीज़ें लाइक और करते हैं तो उन चीज़ों को हम उस पर बात करेंगे.